अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक स्पीड खबर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आरिफ शजर। नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों। केसीआर ने कहा पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं नरेंद्र मोदी। मेंबर पार्लियामेंट के कविता ने कहा सीएम केसीआर भोलेनाथ हैं, जो भी मांगो दे देते हैं। कांग्रेस के इल्जाम, लोकसभा में 16 मेंबर पार्लियामेंट भेज कर भी टीआरएस कुछ हासिल नहीं कर पाई। राहुल गांधी ने वायनाड पार्लियामेंट हलके से पर्चा नामजदगी किया दाखिल, प्रियंका गांधी भी थी साथ। चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी पर लगाया इल्जाम, कहा नरेंद्र मोदी सख्त गिर दहशतगर्द। हेमा मालिनी ने की इंतखाबी जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, इलेक्शन कमीशन ने भेजा नोटिस। पीएम मोदी की नुमाइश पर रोक से मुतालिक दरख्वास्त पर 8 अप्रैल को समाप्त। वजीर आजम मोदी को मुत्तहदा अरब अमीरात का आला तरीन शहरी एजाज दिया जाएगा। अवामी अजलास में रो पड़ी जयपर्दा, कहा आजम खान की वजह से छोड़कर गई थी रामपुर। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को लगा झटका, गोरखपुर में बीजेपी को हराने वाले परवीन निषाद ने थामा कमल। राजपाल यादव कांग्रेस में होंगे शामिल, मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ सकते हैं इंतखाब। प्रकाश अंबेडकर का बड़ा बयान, कहा इख्तदार में आए तो इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट से हार्दिक पटेल को झटका, नहीं लड़ सकेंगे लोकसभा इंतखाब। BSNL में 54,000 मुलाजमीन की जा सकती है नौकरी, कंपनी बोर्ड का बड़ा फैसला। प्रशांत भूषण के खिलाफ अटॉर्नी जनरल की हतक इज्जती अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में करेगी समाअत। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों से तसादुम जारी, एक BSF जवान शहीद। अजीत सिंह का पीएम मोदी पर हमला, कहा माँ बाप ने नहीं सिखाया सच बोलना। बीजेपी को भारी पड़ा प्रियंका गांधी को स्कर्ट वाली हवाई कहना, इलेक्शन कमीशन पहुंचा मामला। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इतिहास की हवा तेज, सीटों की तकसीम पर चर्चा शुरू। गूगल के इश्तहारात पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाली पार्टी है बीजेपी। जेट एयरवेज के जहाजों की तादाद कम होकर 28 रह गई। न्यूजीलैंड मसाजिद पर हमलावर पर चलेगा 50 कत्ल का मुकदमा। हेलीकॉप्टर शॉट मारकर हार्दिक पांड्या ने उड़ाया सिक्स, देखते रह गए MS धोनी। हैदराबाद और दिल्ली के बीच होगा आज दिलचस्प मुकाबला, हैदराबाद के खिलाड़ी करेंगे दिल्ली फतह। अपने खास मदार से मिलने ड्रेसिंग रूम से आए धोनी, जीत लिया सबका दिल। हाईटेक स्पीड खबर में बस इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हाईटेक TV के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। खुदा।